मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साई। ऐसा नहीं है कि इन्हें काम नहीं मिलता। काम तो मिलता है, लेकिन हमेशा ये उस काम को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि मेहनत आना बहुत कम है और वो काम इनके स्तर का नहीं है। परिश्रम करने से ही सब कार्य संपन्न होते हैं, बस मन में सबूरी होनी चाहिए। परिश्रम करके कुआं खोदने पर कठोर धरती से भी शीतल जल निकल आता है। सूर्यकांत, तुम इतनी दूर से यहां आए, यहां रहे, धर्मशाला में होने वाली कठिनाइयों का सामना किया, रोज रोज मेरी ना सुनी, खुद को उपेक्षित महसूस किया, अपमानित महसूस किया, तुमने इतनी सबूरी दिखाई, इतना इंतजार किया, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किया है। इन पैसों से अपना कर्ज चुकाओ, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और तरक्की हासिल करो। तुम्हें जल्द ही वो पद और मेहनताना मिलेगा जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। साईं, साईं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ ही नहीं पाया, आपका अपमान तक कर दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर मुझे खुशी हुई सूर्यकांत। ये पैसे लो और जाकर अपना कर्ज चुकाकर यहां वापस आ जाओ। नहीं साईं, अब मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा, आप इसे अपने पास ही रखिए। ये पैसे तो मेरे लिए मिट्टी समान है और ये पैसे तुम्हें यूं ही नहीं मिल रहे हैं सूर्यकांत, ये उस काम की पेशगी समझो जो तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है, इसीलिए तो तुम्हें वापस बुलाया है। लो। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा धन्यवाद धन्यवाद साई, बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए। मालसापति जी, जी साई, बाकी के पैसे आप संभाल कर रखिए, इनकी शीघ्र ही जरूरत पड़ेगी। जी साई। मेरे काका के पैसे लुटा कर ये फकीर वाहवाही लूट रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी। श्रम ही ते सब होत है जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप जो थल में प्रगटे नीर। इससे अच्छा पैसों का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। बंद कर अपनी बकवास। Thank you.
आप यहाँ? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इस फकीर से निपट लूं। बड़ी दूर से आई हैं आप, अंदर बैठ के बात करते हैं शारदा ताई। तुझ जैसे फकीरों की ताई नहीं हूं मैं, और ऐसी अशुद्ध जगह में मैं अपना पांव भी नहीं रखती हूं। काका के पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। तुझ जैसे फकीर को काका का धर्म भ्रष्ट करने दिया तो लानत है मुझ पे। ऐसा मत कहिए आत्या। तू तो चुप ही रह। अच्छी तरह से तेरी चाल समझती हूं मैं। पैसों के लिए मेरे भोले भाले काका को बहका के अपने वश में कर लिया है तूने। साई ने काका से एक आना भी नहीं लिया है, मगर उसके पैसों से वाहवाही तो बटोरी है। आज दान के बहाने लिया है, कल अपने लिए लेगा। अगर काका के पैसों पे किसी का हक है तो सिर्फ हमारा। क्या जरूरत है आपको पैसों की? क्यों नहीं, पैसों की जरूरत तो सबको होती है। खाना, कपड़ा, मकान सब पैसों से ही तो मिलता है। और उससे क्या मिलता है? सुख, चैन, सुकून। तो क्या सुख, चैन, सुकून आपको पूजा पाठ और दान धर्म से नहीं मिलता है? बोले भले गांव वालों को अपने बातों में फंसा मत फकीर। नमस्कार, मैं कुलकर्णी सरकार, शिरडी का मुखिया। आप मेरे पालकी के सामने आई थी, तब मुझे पता चला इस फकीर ने आपके साथ क्या किया। ये है ही ऐसा? इतने वर्षों से गांव वालों को इसकी वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, पर इन सब की मती मार रखी है इसने। अपनी इसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाता है ये सबको। आपके भतीजे को इसके जाल से बचाने के लिए यहां आने का आपको पूरा अधिकार है, और इस काम में आपको जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, ये मेरा वचन है। साई ने किसी को नहीं बहकाया है। मैं कोई दूध पिता बच्चा नहीं हूं। आत्या, आत्या आप कुछ देर साई के साथ बैठकर समय तो बिताइए। ऐसा सोचिएगा भी मत वहिनी, ये फकीर आप पे भी काला जादू करके बहका देगा, आपको आपको वश में कर लेगा। आप थक गई होगी, मेरे वाड़े में अतिथि गृह है, आप वहां रह सकती है। आपका आतिथ्य करके मेरे पत्नी को प्रसन्नता होगी। मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो हम आपके यहाँ कैसे रह सकते हैं?
आते हैं आप मेरे साथ धर्मशाला में रहिए, मैं वहां आपको सब कुछ समझा दूंगा। वो टूटी फूटी धर्मशाला, वो तो आप जैसे सभ्य लोगों के रहने के लायक नहीं है। वहाँ तो हर जाति धर्म के लोग आते हैं, न जाने कौन शास्त्रों का पालन करता है कौन नहीं। ऐसे लोगों के बीच आपको रहना शोभा देगा क्या? भतीजे का धर्म बचाने के चक्कर में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी उठाने के लिए क्यों तैयार हो? इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को शिरडी में कोई कष्ट न होने दूं। और दीक्षित जी, आपसे भी विनती करता हूँ, आप भी हमारे साथ चलिए, छोड़ दीजिए इस कपटी का साथ। साई का साथ तो मैं नहीं छोड़ सकता, जो मेरे साई की इज्जत ना करे उस घर में तो मैं कदम भी नहीं रखूंगा। और ना ही अपने परिवार वाले को रखने दूंगा। जब तूने मेरी बात नहीं मानी और यहां आ गया तो मैं क्यों तेरी बात मानूं? और तू मुझे ये बताने का हक खो चुका है कि मैं कहां रहूंगी। तेरे पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मैंने अपनी गृहस्थी बुला दी, तेरे साथ रही। तू इतना सब बच्चा था, तब से तेरी जिंदगी से जुड़े सारे फैसले मैंने लिए हैं। जब तक तू इस फकीर से मिला नहीं था तब तक तुझे मेरे किसी फैसले से समस्या नहीं थी। मेरी बात मानकर ही तो इतना बड़ा आदमी बना है तू। ये सब जानने के बाद भी तू इस फकीर का अनुसरण कर रहा है, ये तुझे सीधे सीधे गुमराह कर रहा है, तेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तेरी मति मार दी है इसने। जब से तू इस फकीर से मिला है मेरे हर फैसले पर सवाल उठाने लगा है तू। आते आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे जरूरत तो तुझे है समझने की, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब तक तेरे आंखों पर इस फकीर के नाम की पट्टी बंधी है अब तेरे साथ नहीं रहेंगे। हम सरकार के यहां रहेंगे। और अन्नपूर्णा तू मेरे साथ रहेगी। अपने पति को छोड़कर कहीं और कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काका को तो मेरी कोई परवाह नहीं रही, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? ठीक है आत्या, मैं आपके साथ ही रहूंगी। चलिए।
आज तो बड़ी तेज धूप है। अगर सर पे ये बोरी ना होती तो ये चिलचिलाती धूप झुलसा देती मुझे। मेवा, साई ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। तुम्हारे घर के बाहर जो ये पुआल के सूखे गट्ठर रखे हैं, उन्हें तुम अंदर या किसी छायेदार जगह में रख दो। हाँ, साई ने मुझसे एक बार कहा था। ठीक है, मैं बाद में रख दूंगा। बाद में नहीं, उन्होंने तुरंत रखने के लिए कहा है, जल्दी से जल्दी। चंदू, ये बोरी पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक बार पहुंचा दूं फिर आकर ये रखता हूं। साई, प्रणाम साई। मुझे एक लोटा पानी चाहिए। आज साई ने भिक्षा में पानी क्यों मांगा? जी साई, अभी लाए। आप तो मेरे घर की तरफ बढ़ रही। मेरा परिवार अंदर है, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरे पास इतना समय नहीं कि जाकर मैं कुएं से पानी ला सकूं और आग बुझा सकूं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, तेरी बीवी। साई, शुक्रिया। किसी की मदद कर रहे थे ना? गोपाल, गोपाल, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सुभद्रा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना? अचानक इस सूखी हुई घास में लगी हुई आग बुझ कैसे गई? पाओ, ये सब साई के कारण।
साई? हाँ, अभी कुछ देर पहले साई मेरे घर आए थे। आपने मेरा घर, मेरा परिवार बचा लिया। आज अगर आप ये चमत्कार नहीं करते तो मैं सब कुछ खो बैठता। मैं सब कुछ खो बैठता। विवा, अगर तुम पहले ध्यान देते तो ये आग लगती ही नहीं। सूखी घास तेज धूप में बहुत जल्द आग पकड़ लेती है। गर्मी के दिनों में तुरंत आग पकड़ने वाली किसी भी चीज को हमें धूप में नहीं रखना चाहिए, खासकर उन दिनों जब सूरज की किरणें आग उगल रही होती हैं। तेज धूप नमी को सोख लेती है, ऐसे में ज्वलनशील चीजें बहुत जल्द आग पकड़ लेती हैं। अगर हमारे पास छायेदार जगह ना हो और इनकी जरूरत हमें हमेशा पड़ती हो तो हमें इन्हें ऐसी जगह रखना चाहिए जहां खतरा कम हो। आग लगे भी तो फैले नहीं, उससे नुकसान ना पहुंचे। साई, आपने मुझे पहले भी सचेत किया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राम जी भला करें।